नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है महमूदाबाद तहसील परिसर में एसडीएम शिखा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अधिवक्ताओं और एसडीएम मैम के बीच में नोकझोंक हुई थी, खबरों के माध्यम से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैम उस दिन क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले मैम हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस दिन जो आपके और वकीलों के बीच में जो घमासान काफ़ी हुआ था, जिसमें आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी, क्या हुआ था उस दिन? अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स ने पहले जो क्लिप चलाई थी उसमें सिर्फ उन्होंने मुझे दिखाया था गुस्से में मैं खड़ी हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक अधिकारी जो नॉर्मली जिसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह से कभी नहीं हुआ, तो वो गुस्से में आया तो क्यों आया? सामने इतनी भीड़ है और वो लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज़ें इस पर समझ में आ रही हैं। जब मैं उनसे चर्चा करने की बात करती हूँ तो एक जगह मैंने ये भी कहा था कि आपकी सारी बातें स्वीकार कर रही हूँ, सब कुछ चर्चा किया जा सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि दो दिन पहले कुछ अधिवक्ता ने मेरे नायब तहसीलदार के चैम्बर में जाके किसी वरासत के प्रकरण को लेकर गाली गलौज किया। अगर काम करवाने का यही तरीका है तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आपको उचित लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मैंने जब वो प्रश्न उठाया तो मेरा ये कहना था, चलिए कोई चीज़ लंबी था, आप शिकायत करिए, आप अगर किसी न्यायालय के किसी निर्णय से क्षुब्ध हैं तो उस न्यायालय के विरुद्ध आप अपील में जाइए, न्यायिक प्रक्रिया में सारे प्रावधान हैं, हर तरीके के जो है रेमेडीज़ हैं, आपको कुछ गलत लगता है, लेकिन आप गुंडागर्दी पे और मारपीट और गाली गलौज पे क्या अधिकारियों के साथ या किसी इंसान आम इंसान के साथ भी, अधिकारी होने के नाते के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स भी तो हैं, तो एक बेसिक क्या हमारी रिस्पेक्ट वो नहीं बनती है? सिर्फ हमें अधिकारी की तरह ही क्यों देखा जाता है? ठीक है, तो उसमें महिला होने के नाते आपको उस तरीके से सम्मान नहीं हुआ जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो अलग बात होगी। मैं तो महिला होने की बात ही नहीं करती, मैंने तो सिर्फ ये कहा था एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मेरा नायब तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट है और आपने आप उसके किसी काम से शुद्ध थे तो आपने उसको गालियां क्यों दी? तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, वीरेन पटेल, राजकिशोर और पीछे गौरव श्रीवास्तव, तीन वकील जो थे जिन्होंने मेन इस मुद्दे को हवा दी एक गलत दिशा में ले जाके, उनका कहना था गाली तो गाली है, हम मार मार के काम करवाएंगे। अब आप ये निर्णय करके बताइए कि ये भाषा किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ क्या उचित है? आपने कहा था कि आइए मुझे मारिए, तो ऐसा क्या उन्होंने कहा कि ऐसा शब्द आपको बोला? मैंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हम गाली तो गाली, हम मार मार के काम करवाएंगे। तब मैंने स्टैंड लिया था कि आप मेरे किसी अधिकारी को हाथ लगा के दिखाइए, ठीक है, अब ये मेरा स्टैंड था और अब आप लोग डिसाइड करिए कि मेरा स्टैंड उचित था या अनुचित था। और मेरी जगह अगर कोई भी व्यक्ति होता जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता और सामने से अगर एक अनकंट्रोल्ड भीड़ उससे इस तरह से थ्रेटन कर रही होती कि हम मार के काम करवाएंगे, तो आपका उत्तर क्या होता? मैंने बस इस तरीके से अभी कार्यों का बहिष्कार कर दिया है अधिवक्ताओं ने, इसका जिम्मेदार जो है तहसील पुलिस प्रशासन को और आपको बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब ये आप डिसाइड करिए, मैं तो काम करने के लिए बैठी थी, मैं तो कोर्ट सुन रही थी, वादकारी आए हुए थे, आप तो समस्याएं सुन रही हैं जनता की, लेकिन जो अधिवक्ताओं का कार्य है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। मैंने तो प्रयास किया, मैंने हर फाइल पे, जब कोर्ट में अधिवक्ता नहीं आ रहे थे तो आप प्रशासन की मंशा का अनुमान इससे लगाइए कि मैं अपने लेखपालों से गांव-गांव में मैसेज करवा रही हूं कि वादियों और प्रतिवादियों को भिजवाइए, मैं उनकी बात सुन के उनकी फाइल पे निर्णय करूंगी गुणदोष के आधार पे। तो अब आप बताइए काम कौन नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति जो कोर्ट लगा के बैठा है लोगों को सुन रहा है, या वो लोग जिन्होंने गाली गलौज करके उन लोगों को कोर्ट से निकाल दिया? बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, घुसखोरी हो रही है, क्या कहें? कोई चीज़ अगर उनके पास है इस पर जर्नलिस्टिक तो मैं भी कह सकती हूँ कि यहाँ वकीलों के नाम पे बहुत सारे दलाल हैं, उनमें संत कौन है? जी, ठीक है, हम भी ये कहना चाहें कि हमारे नाम पे ये लोग बहुत गड़बड़ियाँ नीचे करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पुख्ता चीज़ है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर विषय पे ग्रीवेंस है, आप वो लेके आइए, वहाँ आपको समाधान ना मिले आप शिकायत करिए, लेकिन जर्नलिस्टिक की सब चोर हैं ये तो कोई तरीका नहीं है। और तो बाकी मैम तहसील वकील और प्रशासन के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी विवाद हो चुका है, तो इस नजरिए को, मतलब इस सारी विषयों को किस नजरिए से देख रही हैं? अगर आप लोग तो मुझसे पहले से यहाँ से हैं तो शायद महमूदाबाद के कोर्टों का इतिहास आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि यहाँ वकील आते हैं, कानूनगों को दिन दहाड़े मारते हैं, फिर FIR होती है, फिर वो धरना देते हैं, प्रेशर टेक्टिक्स अपनाते हैं, FIR वापस हो जाती है, फिर वो गाली गलौज करते हैं SDM के साथ, अगेन एज ऑलवेज जैसे एक अधिकारी का रवैया होता है कि चलिए बात खत्म कर दी जाए, तो ये तो यहाँ हमेशा से चलता चला आ रहा है। कल विवाद हुआ ही सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली बार शायद मैंने अपने पद के लिए, अपने कार्यालय के लिए और अपने स्टाफ के लिए स्टैंड लिया था, और मुझे लगता है किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बाकी हो उसको स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह की बात से जो मांगे की जा रही है और कार्यवाही की भी मांगे हो रही हैं, आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मैं मांग है तो आप आके बात करिए ना, सभ्य लोगों की तरह, एक डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में पढ़े लिखे आदमी की तरह बात की जाती है ना, गुंडों की तरह गालियां नहीं दी जाती, मार मार के काम करवाने की धमकी नहीं दी जाती।
आप बताइए, आपको मार के काम करवाने की बात करी जाए आप करेंगे? है ना, तो मैंने शायद वही किया जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता। मैं तो एसडीएम महिला, मैंने तो कोई बात ही नहीं करी, ठीक है। मैं कभी, मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। मैं अगर उतनी सैलरी ले रही हूँ तो मेरा भी फर्ज है उतना ही काम करूँ। मैं अपने पद को जस्टिफाई करूँ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के द्वारा, तो मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप बराबर जनता की समस्या सुन रही हैं, और जो लोग के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कैसे होगा इन सारी समस्याओं का? मेरी जनता से अपील है, वो अपनी फाइलें लेके आए। मैं गाँव तक जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी टीम भेजूंगी, जो भी केसेस पेंडिंग है मैं वहीं पर तत्काल निस्तारण करवाऊंगी। लोगों को सुन के, लोग आए उनका काम मेरे स्तर पर नहीं पेंडिंग होगा। लेकिन अगर तरह की ये लोग गुंडागर्दी करते हैं और हमें काम नहीं करने देते, फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी वो कुछ ये भी बातें आ रही हैं खबरों के माध्यम से, हमने पढ़ा भी है और देखा भी, तो कह रहे कि जातिवाद और भेदभाव ऐसा कुछ ज्यादा। आप लोग बताइए, बेहतर आप जान सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ जातिवाद किया और कहाँ भेदभाव हो रहा है। कोई एग्जाम्पल प्लीज मुझे दीजिए तो मैं शायद जस्टिफाई कर सकूँ। क्योंकि ऐसा जब आया तो हमने कहा ये सवाल भी पूछना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जब सोशल मीडिया पे होता है तो सोशल मीडिया पे सभी लोग पढ़ लेते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बात का मतलब, बहुत सारे लोग भी आते हैं अपने प्रार्थना पत्रों के साथ, और मेरा जो रिस्पांस होता है, मुझे तो लोगों का पूरा नाम कभी पता ही नहीं हो चला आज तक। मैंने सिर्फ प्रमिला पढ़ा और जो तहरीर थी, मैंने SHO सदरपुर को कॉल किया, SDO विद्युत का मैटर था, प्रधान जी का नाम मुझे अभी भी नहीं याद हुआ है। तो अगर जाति के आधार पर काम होता तो शायद पहले नाम पूछा जाता, उस हिसाब से उनका काम होता। तो ये प्रश्न आप जनता से करिए मेरे हिसाब से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।